दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंद वॉइस में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करेंगे हम पुरुष आयोग को लेकर। पुरुष आयोग की खबर पूरे देश भर में देखी गई है और देश भर से लोग मुझे कॉल कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि पुरुष आयोग कब तक बन सकता है और ये बनेगा भी या नहीं, क्योंकि पुरुष पर जिस तरह से पुरुष भी आजकल प्रताड़ित किए जाते हैं, उन्हें भी फैमिली वॉलेंस का सामना करना पड़ता है, वो भी परेशान रहते हैं। और मुझे इतनी सारी कॉल्स आई हैं, देश के हर हिस्से से कॉल आई हैं। प्रोफेसर, टीचर, डॉक्टर, हर किसी ने मुझसे पूछा है कि पुरुष आयोग बनेगा या नहीं बनेगा और बनना चाहिए, उनकी डिमांड है। यहाँ तक कि महिलाओं के मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन आए, उन्होंने भी कहा कि पुरुष आयोग बनना चाहिए, क्योंकि अगर महिला आयोग है तो पुरुष आयोग का होना भी ज़रूरी है। मेरे साथ बात करने के लिए इस मुद्दे पर इंद्रजीत सिंह मैनिया है, जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पुरुष आयोग की मांग कब से उठ रही है और कौन सी संस्था इसको बनवाने जा रही है, और वो कोशिश में लगे हुए काफ़ी सालों से। इसकी पूरी बात करेंगे और जानेंगे कि महिला जो 498 किस तरह से दुरुपयोग करती हैं। कुछ महिलाएं, सभी महिलाएं नहीं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार जी। सर, मैं पहले, आप समझ ही गए होंगे हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जी सर, तो मैं यही जानना चाहता हूँ, सबसे पहले आप उस संस्था के बारे में बताइए जो ये पुरुष आयोग बनवाने के लिए कोशिश कर रही है। देखिए, वैसे तो टाइम टू टाइम बहुत से इंडिविजुअल्स हैं जो प्रताड़ित हैं और वो लोग कोशिश कर रहे हैं अपने अपने मीन से, अपने अपने एफर्ट्स वो लोग लगा रहे हैं। और बेसिकली जो फाउंडेशन अभी चल रही है, जो इसके लिए बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रही है और वो बहुत ही डेवलप भी कर रही है मल्टीपल फोल्ड्स में। इवन वो पहले स्टार्ट हुई थी बेंगलोर से, आज उसकी दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है। उसका नाम है सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन एक संस्था है। हम नंबर जारी करेंगे इसका जल्द ही, उन लोगों से भी बात करेंगे। जी, ये एक मैन एनजीओ है, बट उन्होंने ये इसलिए बनाया गया कि बहुत सा मिसयूज़ हो रहा था थ्रू वेरियस फीमेल्स। अब ये नेशनल ह्यूमन राइट और क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का जो डाटा है वो ये कहता है नियरली 89% जो है केसेस जो किए जाते हैं, चाहे वो 498 का हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का हो फ्रॉम फीमेल, वो उसे प्लान करके, उसे बिल्कुल एक पोस्चर बना के थोप दिया जाता है हस्बैंड पर और उसके फैमिली मेंबर्स पर। उस फैमिली मेंबर्स में जो होती हैं दे आर ऑल्सो फीमेल, बट दुर्भाग्य की बात यह है कि उनकी बात ना सुनकर एज अ वाइफ उसकी बात सुनकर वुमेन कमीशन के अंदर और पुलिस स्टेशन के अंदर प्रताड़ित किया जाता है हस्बैंड को अलॉन्ग विद फैमिली मेंबर्स। और अभी इसके अंदर काफ़ी सारे इसके अंदर जजमेंट भी आए हैं। हमारा जो 15 में जजमेंट आया था स्टेट वर्सेस अनिश कुमार जो था, अनिश कुमार के अंदर अरेस्ट रोक दी गई थी इसी चीज़ को देखते हुए कि इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा था। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट इसे मान रहा था, सुप्रीम कोर्ट इसे कह रहा था कि एक छोटे बच्चे से लेकर उसकी हस्बैंड की भाभियाँ, भाई, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, जिनकी एज 65-70 है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता दे वुड माइट हैव इवन बीटन अ वाइफ। और वो वाइफ जो अब 21st सेंचुरी की वाइफ है, अब ये नहीं माना जा सकता कि वो मार खा रही होगी यूजिंग अ मोबाइल नंबर, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी वो यूज़ कर रही हैं। और पिछले 4 साल से वो 498 में हस्बैंड या उसकी फैमिली से प्रताड़ित करी जा रही है और उन्होंने आज तक वो मैटर रिपोर्ट नहीं करा। ये बात कुछ सुप्रीम कोर्ट को भी समझ नहीं आई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि तुरंत अरेस्ट नहीं करा जाएगा। उसके लिए फैमिली वेलफेयर कमेटी बनी थी 2017 के अंदर, जिसके अंदर ये बोला जा रहा था आप सीधा FIR नहीं करेंगे, पहले फैमिली वेलफेयर कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई थी हर कोर्ट के अंदर, अब वहाँ जाएंगे, उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों की काउंसलिंग की जाएगी, देखा जाएगा क्या इशू आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। उसमें फैमिली काउंसलर थे, एक आपकी सोशल वर्कर थी और एक आपका लीगल एक्सपर्ट था, 3 मेंबरों की वो कमेटी बनाई जा रही थी। पहले 5 की हुई, उसके बाद 3 की हुई, लेकिन वो भी 1 साल के बाद डिसॉल्व कर दी गई। उसके ऊपर एक रिट लगी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उन्होंने उसे डिसॉल्व करके उन्होंने दोबारा से वही पैटर्न शुरू कर दिया। बट अभी भी कोर्ट और पुलिस स्टेशन, उन्हें पता है कि दिस लॉ हैज़ बीन यूज मिसयूज द लॉट। जब ये लॉ बना था उस समय 2005 में DV, उस समय इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उस समय ये माना जाता था कि कितने सोर्सेज नहीं है, आप हम सब जानते हैं कि 2003 में लैंडलाइन चलता था, अगर किसी ने लैंडलाइन की काट दी वायर या लाइन, या वो चलते भी नहीं थे उनकी टूट गई, तो जो वाइफ है शी इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट आउट ऑफ दैट, तो वो अपने घर में फंस जाती थी, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। उसके ऊपर जिस तरह से उसे प्रताड़ित किया जाता, परेशान किया जाता था, मारा पीटा जाता था, खाना नहीं दिया जाता था, बट आज वो सिचुएशन चेंज हो चुकी है। आज जो है, क्योंकि टाइम टू टाइम जो है लॉ का अपडेशन जरूरी है,
आज जो 21st सेंचुरी आ गई है, हम 2020 में आने वाले हैं, इसके अंदर ये माना ही नहीं जा सकता कि एक जो वर्किंग वाइफ है या इवन हाउस वाइफ है उसको फ़ोन यूज़ नहीं करने दिया जा रहा, बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंसेस के अलावा, बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंसेस के अलावा ये नहीं माना जा सकता। सारे वे हैं कम्युनिकेशन के, सारे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, बहुत सारे कुछ है, इजीली वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर से भी कम्युनिकेट करके बता सकती है दैट उसको ऐसा ट्रबल किया जा रहा है। तो उसके लिए आपने फैमिली वेलफेयर ये कमेटी जो बताइए, क्या इसका गठन किया गया था हर डिस्ट्रिक्ट में? हाँ जी बिल्कुल, 2017 ये अभी भी काम कर रही है? नहीं जी, ये डिसॉल्व हो गई 2018 में। अच्छा, 2018 डिसॉल्व करने का क्या कारण था? एक रिट लगी थी हमारे सुप्रीम कोर्ट में जिसमें ये बोला गया था कि फैमिली वेलफेयर कमेटी जो है वो एक साल तक करती है, उसके बाद काउंसलिंग करती है, तो इसे ना कर 498 को सीधा CAW सेल, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, उसके पास भेज दिया जाए, वहीं पे काउंसलिंग की जाए, उसके बाद उसे कोर्ट में मीडिएशन के लिए भेजा जाए, कोर्ट में भी मीडिएशन नहीं होती फिर से दोबारा से CAW में भेजा जाए, उसके बाद लोकल पुलिस स्टेशन में FIR रिकमेंड करके भेजा जाए कि इस पर FIR करी जाए हस्बैंड के ऊपर। सर ये तो थी इसमें अपडेटेशन की बात, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई कि आप तुरंत जो है गिरफ्तारी नहीं करेंगे। अब मैं जानना चाहता हूँ कि पुलिस आयोग जो है कैसे बन सकता है, मतलब सरकार कैसे क्या एक्शन ले सकती है या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कैसे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मैन कमीशन जो है उसकी फॉर्मेशन की तैयारी बहुत समय से चल रही है, बहुत लंबी लड़ाई जो है पति लड़ते आ रहे हैं, और इसके लिए मैं एक सबसे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप लोग देखते भी होंगे तो बहुत से प्रोग्राम आते हैं उसके अंदर भी इनके जो केसेस हैं जो सक्सीड होकर आए हैं, जो हस्बैंड ने अपनी जो विन करी है अपनी फाइट, लॉन्ग बैटल भी उसमें बहुत सी हैं जिन्होंने 8 साल 9 साल, अभी हमारे पास जो आया 2011 से 2019 में अब जाके वो लड़का जो है वो जीता और उसने प्रूफ किया, इवन 498 में उसका इक्विटल हुआ है, 498 में इक्विटल हुआ, कोई भी एलिगेशन किसी भी फैमिली मेंबर के अगेंस्ट नहीं पाया गया और ना ही प्रूफ हुआ। अच्छा सर, मोस्टली क्या होता है जब 498 लगाया जाता है पूरी फैमिली को घसीटा जाता है? हाँ जी। कोई ऐसा कुछ है कि भाई बूढ़े बुजुर्ग परेशान ना हो, ऐसा कुछ है इसमें? जी बिल्कुल, इसके अंदर अगर आपके ऊपर ये करा जा रहा है किसी हस्बैंड के ऊपर, उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उसके सीनियर सिटीजन हैं, जो सीनियर सिटीजन कमीशन है हमारी ITO के अंदर, आप वहाँ पे एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं 1000 अबव 60। अब अगर वो बिलो 60 हैं तो वो कैसे बचें? उनके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है, जो भी एलिगेशन आपके पास लगाए गए हैं वो एलिगेशन अगर झूठे हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे आप जरूर कहीं और होंगे, आप उस कंप्लेंट की सर्टिफाइड कॉपी निकलवाइए, उसे ध्यान से कंपेयर करिए, पढ़िए और उसके आप देखिए कि उस पर्टिकुलर टाइम पे आप कहाँ थे या आपकी CDR क्या शो कर रही है, आप इजीली उसे प्रूव कर दोगे इन कोर्ट और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इन पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन। ये एक बचने का तरीका है। हाँ। आपने जो सीनियर सिटीजन क्या बताया, कमीशन ये ITO पर है? हाँ जी, सीनियर जी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, सीनियर सिटीजन कमीशन है जो ITO पर है, अगर आपके फैमिली के खिलाफ जो 60+ है उनके खिलाफ भी केस करते हैं 498 में, तो आप वहाँ जाकर एक अपना लेटर लिख सकते हैं, वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। साथ ही जो 60 से नीचे हैं अगर वो उस टाइम पे कहीं पर हो जब आपके खिलाफ FIR दर्ज हो, तो वो चीज़ आपको देनी पड़ेगी एज ए प्रूफ कि आप उस वक्त वहाँ पर नहीं थे। तो एक बहुत अच्छी जानकारी दी है सर ने, अब इनसे बात कर लेते हैं सर, सरकार इसको लेकर सीरियस है या नहीं? बिल्कुल, सरकार भी सीरियस है, कोर्ट भी इसको लेकर सीरियस है, NCRB का डाटा कहता है, नेशनल ह्यूमन जो हमारा क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है वो कहता है, नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस, नियरली 89% ऑफ केसेस जो हैं वो फॉल्सली ड्राफ्ट किए जाते हैं हस्बैंड के ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट की जो वीडियो जजमेंट टाइम टू टाइम आई है 15 से, उसके अंदर आप कुछ नहीं करना, अगर आपके ऊपर ये एलिगेशन लगता है या झूठा ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है, आप गूगल पे जाओ, अर्नेश कुमार की जजमेंट को आप डाउनलोड करो, उसमें बोला गया है, वो स्पेसिफिकली है तो 498 की, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू एकदम क्लियर कराया, 7 साल से कम सजा वाली जितनी भी होंगे हमारे IPC के सेक्शन उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन अगर आप ज्वाइन कर लेते हो आपकी तुरंत अरेस्ट नहीं, आपको झूठा एलिगेशन लगने के बाद कहीं भागना नहीं है, अपने फोन नंबर बंद नहीं करने हैं, स्टेट से बाहर आपने नहीं जाना, आपने झूठे एलिगेशन लगने के बाद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है, आपने ये प्रूव करना है कि आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो झूठे हैं, और अगर वो झूठे हैं तो वो 101% है कि आप उसे ईजिली झूठा साबित कर दोगे, आप अपनी CDR, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस CDR से सॉल्व होते हैं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, आप अपने फोन का कॉल डिटेल रिकॉर्ड गूगल पर लॉग इन करके अपना फोन नंबर डाल के आपको OTP आएगा, आप उसे डालो, पूरा कॉल डिटेल रिकॉर्ड आपके पास सर्टिफाइड हो गया जाएगा जो आप कोर्ट में भी लगा सकते हो, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि जो एलिगेशन आप पे लग रहा है कि उस समय आपने अपनी डॉटर इन लॉ को या अपनी वाइफ को मारा है पीटा है एक पर्टिकुलर घर के अंदर और आपकी CDR कहीं और की दिखा रही होगी, तो ऑफकोर्स ये बात है आपके ऊपर ऐसा कोई भी एलिगेशन नहीं। स्टेट आर्मिश की है उसके अंदर जजमेंट, राजेश कुमार की जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर अगर 498 का एलिगेशन लगता है तो आपके ऊपर तुरंत अरेस्ट नहीं होगी अनटिल अनलेस देवियस हर्ट टू अ वुमन है, एक्सेप्शन है उसके अंदर देवियस हर्ट, ठीक है,
और दूसरी बात, आप अपने जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं हस्बैंड, उसको आप संभाल के रखें, चाहे वो एटीएम से करते हैं, चाहे वो उससे करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग एक्सपर्ट जो भी है, हाँ उसको आप संभाल के रखें। इट विल हेल्प यू अ लॉट इस केसेस में, आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। अब आपका जो प्राइमरी क्वेश्चन था वो था कि जो है मैन कमीशन कैसे बने, जैसे हमारी वुमेन कमीशन बनी हुई है, ऑपरेटिव भी है, और वुमेन के लिए इवन क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल भी बनाया गया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर जो ऑपरेट करता है, महिला थाने भी बने हुए हैं, हाँ उसे हम कहते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, महिला थाना को बोलते हैं CAW, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल। वो वुमेन जो सेल है वो पुलिस स्टेशन के अंदर ही बने हैं, उसके अंदर जो आपके पुलिस ऑफिशियल्स ही बैठे हैं विद इन कैजुअल्स, ताकि किसी को भी डराया ना जाए, दोनों पार्टियों को समझाया जाए कि अगर उनमें छोटा बदलाव या भेद है वो आप अपना दूर करके आप जाइए। लेकिन यूजली ऐसा हो नहीं पाता, बिल्कुल, कि अगर आप देखेंगे 100 केसेस में से 5 या 6 केसेज हैं जो ऐसे सॉल्व हो जाती हैं, नहीं तो वो आते ही आते हैं कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते हैं। अब अगर इसके अंदर हमारा मैन कमीशन होगा तो एक मैन को भी सेटिस्फेक्शन रहेगा, मैन को भी रहेगी प्रायरिटी दैट आई एम ट्रीटेड इक्वल। हम लोग आज इक्वालिटी की बात करते हैं कि दोनों वर्गों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, वेदर मैन या वुमेन, लेकिन मैन को वो इक्वालिटी क्यों नहीं मिल पाती, क्योंकि उसको ये रहता है कि दैट वुमेन कमीशन है। देखिए सर, अगर सीधी सीधी बात, अगर एक महिला रो रही है तो सीधा आदमी के मन में जाता है कि गलती इसके आदमी की होगी, ठीक है, अगर वो थप्पड़ खाए या वो थप्पड़ मारे तब भी गलती आदमी की मानी जाती है, ये हमारी सोच है। हाँ। नहीं मतलब ये एक सोच है कॉमन, ये एक नॉर्मल सोच, हाँ। नॉर्मल टेंडेंसी तब मनाई जाती है कि वो लोग मानते हैं जो मैन और वुमेन को इक्वल नहीं समझते, बिल्कुल, जो वुमेन को नीचे लेके चलते हैं वो लोग सोचते हैं कि महिला प्रताड़ित होगी, लेकिन हम लोग मैन और वुमेन दोनों को इक्वल लेके चलते हैं। जिसने भी क्राइम किया है, जिसने भी क्राइम किया है, ही और शी विल गेट द पनिशमेंट फॉर दैट, बिल्कुल, दोनों को ही इक्वल लेके चलना है। लॉ की आइज में किसी को भी कोई भी इम्यूनिटी नहीं दी गई है एक्सेप्ट इन रेयर सर्कमस्टेंसेस, मैन और वुमेन दोनों इक्वल है, वो दोनों किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, उन्हें इक्वली ट्रीट करा जाना चाहिए और करा जाता है लॉ के अंदर। बिल्कुल। अब जो है अगर वुमेन कमीशन में आके एक हमारे मैन के अंदर एक वो आ जाती है भावना कि ये तो वुमेन कमीशन है, ये तो वुमेन की ही सुनेंगे, अगर मैन कमीशन होगा तो उसको ये रहेगा कि मैंने वुमेन कमीशन में लड़की ने अपनी जो भी उसके थे ग्रेवेंसेज उसने करे, लड़का अपने ग्रेवेंसेज मैन कमीशन में करता है, वुमेन भी जो है वो मैन कमीशन में आएगी तो उसे इक्वलिटी फील होगी, इसलिए मैन कमीशन का बनना जरूरी है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सर ने समझाई, बहुत क्लियर शब्दों में आप लोगों को समझ में आई होगी, आप लोग क्वेरी बहुत आएंगी क्वेश्चन में, अगले अपडेट में हम सब उन पर बात करेंगे, कमेंट के रूप में अपनी राय जरूर दीजिएगा, तो आप लोग जो भी कमेंट करें, जो भी सवाल करेंगे मेल कर सकते हैं या कमेंट में छोड़ेंगे, एक एक शब्द को हम दोबारा से अपडेट नए लेकर आएंगे उसमें। तो फिलहाल इस खबर को आप शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं, और ये जागरूकता है लोगों तक फैलाएँ, और मैन कमीशन होना भी चाहिए, सर ने भी कहा वो भी ज़रूरी है। मिलते हैं अगले अपडेट में।